लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हो हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में कैलकुलेट की थी। मैं यही हेडिंग एक बार फिर लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। बोर्स ऑर्बिट का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट, जिसको बोर ने ऑर्बिट नाम दिया उसमें। बोर्स ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है बेटा कि बोर चक्कर लगा रहा था। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, जिसको हमने ई एन कहा था, एन यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है, जिसको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा था, याद है बेटा आपको? तो एन तो वेरी गुड, इसमें इसकी एनर्जी है, मैं इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमने लिखी थी वो मैं आप लिख देता हूँ, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू बता रहे थे, तब तक सेशन एंड हो गया था। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की वैल्यू है, यूनिट है, जिसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 को आपका मल्टीप्लाई कर दो तो जूल। ओके बेटा, यस। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन का है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। पिक्चर क्लियर होगी बेटा? यस सर। ग्रेट, अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन दैट इज जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए? ये इतने सारे ऑर्बिट बने हुए हैं, इन ऑर्बिट्स में वो कहाँ होना चाहिए बेटा? वो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में पहले ऑर्बिट में होना चाहिए यहाँ पर, इज दैट क्लियर? यस सर। यस, क्यों? क्योंकि यहां तक जब आएगा तो आप देखिए यहाँ पर हम कुछ बातें एक बार बता दें आपको कि यहाँ पर बेटा हो, अगर आप एनर्जी निकालो तो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालोगे तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 1। है ना बेटा? यस। फर्स्ट ऑर्बिट मींस एन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो 1 है, एन इज इक्वल टू 1। सेकेंड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 2, थर्ड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 3, फोर्थ ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 4। ये यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और ये जो एन है ये लास्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर नहीं पता कौन सा नंबर है, बीच में डॉटेड लाइन बता रही है, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं ऐसे। और आपको पता है इस ऑर्बिट से बाहर की जो जगह होती है सारी, इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनाइट। याद आ रहा है आपको? यस सर। इन्फिनिट मीन्स जहां पे एन की वैल्यू मान लेते हैं इन्फिनिट, मतलब न्यूक्लियस से इतना दूर है कि इस पर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, दैट इज एटम से बाहर। तो मेरे बेटाओ, आप सब लोग जानते हो कि अगर एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बेटा इस फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। अब बस यहाँ पर एक बात आपको दिमाग में सेट करनी है कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इस एनर्जी को एक्चुअल में हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी मान के चल सकते हैं। क्या मान के चल सकते हैं? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी है उतनी ऑर्बिट की मैच करेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, या ये कह दीजिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिट, उस एनर्जी को हम उस ऑर्बिट की एनर्जी बोल सकते हैं। ओके बेटा हो? यस। तो अब आपसे अगर मैं ये कहूं यहां पर कि बेटाओ, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, बताओ बेटा
एनर्जी क्या होगी ऑर्बिट की, कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी सर। एनर्जी कम होगी, एक बार फिर सोच लो बेटा हो अच्छे से। अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो उस केस में एनर्जी क्या होगी बेटा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, एक बार फिर सोच लो। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बेटा? सर डिक्रीज। बेटा इंक्रीज होगी, क्योंकि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू बढ़ने पर जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू माइनस में उतनी ही कम आएगी, और वैल्यू माइनस में कम होने का मतलब क्या होता है? एनर्जी का बढ़ना। ओके बेटा, अब इसको मुझे ऐसे बताओ, मुझे माइनस फोर बड़ा है या माइनस थ्री बड़ा है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि आप इक्वल या मोर देन या लेस देन का साइन पुट करना है आपको माइनस थ्री माइनस फोर के बीच में, तो क्या पुट करोगे? तो क्या ऐसे पुट करोगे क्या? नो सर। ऐसे ही पुट करोगे, ऐसे ही पुट करोगे ना? यस सर। ये सही है ना बेटा? मतलब क्या हुआ, माइनस में वैल्यू कम का मतलब वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई। तो अगर n की वैल्यू बढ़ेगी बेटा तो n की वैल्यू बढ़ने से माइनस में वैल्यू कम होगी, और ये कम होगी इसका मतलब एनर्जी बढ़ेगी। तो n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, या कहो ऑर्बिट की। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब आगे ध्यान देना आप लोग, बड़े आराम आराम से सीख के चलो आप लोग। इससे क्लियर हो गया कि मैं कह सकता हूं सो फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उससे ज्यादा एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में होगी, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट में होगी, उससे ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट में, उससे ज्यादा फिफ्थ ऑर्बिट में, ये बढ़ती जाएगी क्योंकि एन की वैल्यू बढ़ रही है, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी इनफिनाइट तक पहुंचते पहुंचते। ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और ये फर्स्ट ऑर्बिट में क्या है बेटा? मिनिमम। बात समझ में आ गई? यस। वेरी गुड। आपको याद है बेटा इनफिनाइट पर हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी ली थी? जीरो। याद आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? जीरो। कहां पर? इनफिनाइट पर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और एटम के अंदर आएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक पहुंचेगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी अब मैक्सिमम वैल्यू जीरो से कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब माइनस में आना शुरू हो जाएगी। और जितना ज्यादा अंदर होगा उतना ही ज्यादा माइनस में, दैट इज उतनी कम वैल्यू होगी एनर्जी की। इज दैट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये रिप्रेजेंट करता है इनफिनाइट से किसी न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस के किसी डिस्टेंस तक पहुंचने में कितनी एनर्जी लॉस्ट कर दी। तो अगर इनिशियल एनर्जी में जीरो मान लूंगा तो जितनी लॉस्ट हो जाएगी वो माइनस करने पर वैल्यू माइनस की ही आएगी। एक्चुअल में एनर्जी माइनस में होती नहीं है, एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी की तो वैल्यू होती है। एनर्जी या तो होगी या नहीं होगी, होगी तो पॉजिटिव, नहीं होगी तो जीरो। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन शो करता है कि जितना अंदर जा रहा है इस इनफिनाइट से इलेक्ट्रॉन उतना ही एनर्जी लॉस्ट करता जा रहा है, उतनी एनर्जी उसकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे अंदर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी इसमें से निकलती जाएगी, तो निकलने वाला कम होती जाएगी। और अब मैंने पहले से ही जीरो मान ली है, इस मेरे इस मानने की वजह से, इस एजम्पशन की वजह से वो नेगेटिव आ रही है, वरना एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। ओके बेटा, हो अगर आपसे कोई पूछ ले क्या एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, तो आपका जवाब होगा नो, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती।
फिर आपसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो हम ऑर्बिट में पढ़ते हैं वो तो नेगेटिव होती है, तो आप बताओगे वो एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, वो डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बताती है कितनी एनर्जी कम हो गई इनिशियल स्टेज से। हमने इनिशियली जीरो मान ली थी इसलिए वैल्यू वो माइनस में आ रही है, रिप्रेजेंट हो रही है, रियल में एनर्जी माइनस में नहीं है। इज दैट क्लियर बेटा? यस। वेरी गुड। तो चाहो तो इस चीज को मैं अलग से नोट करके लिख देता हूं, आप ध्यान रखना, एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है, बट नेगेटिव साइन इज यूज्ड टू शो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। ओके बेटा, या ये कह सकते हो कि नेगेटिव, हाँ, या इसको शॉर्ट में लिख दो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स लॉस इन एनर्जी। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स लॉस इन एनर्जी। ओके बेटा, जिसको हम हाँ इसी को हम यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। एक्चुअल में वो बोलते क्यों है, क्योंकि हमने एजम्पशन किया हुआ है इसलिए। तो नेगेटिव साइन लॉस को रिप्रेजेंट करता है और रियल में एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है। तो इस बेसिस पर बेटा आप सब लोग समझदार हो, तो जो ऑर्बिट है इसको हमने एक नाम और दिया था, आपको सबको याद होगा, याद आ जाएगा, और वो नाम दिया था एनर्जी लेवल्स। ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल, वो इसीलिए कहा था क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, और कितनी होती है? -13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन फिक्स है, एन की वैल्यू पुट करोगे आपको पता लग जाएगी कितनी एनर्जी है, इसलिए इनको क्या कहा हमने? मेन एनर्जी लेवल। और इन एनर्जी लेवल्स में अगर आप कोई से भी दो एनर्जी लेवल कंपेयर करते हो तो उसमें जिसकी एनर्जी कम होगी उसको आप क्या बोलोगे? लोअर एनर्जी लेवल, है ना बेटा? तो ये जो शेल हैं या जिसको आपने ऑर्बिट कहा था, इसी ऑर्बिट को हम एक और नाम देते हैं, मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल, ये जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं इनके हम दो पार्ट अप कर सकते हैं स्टडी में बोलने में। पहला कर सकते हैं लोअर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल से मेरा मेरा मतलब है यहाँ पर के दूसरा है हायर एनर्जी लेवल। ये हम तब नाम यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करना होता है दो एनर्जी लेवल्स को। तो उन दो जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें जो इनर होगा, जो अंदर की तरफ ऑर्बिट होगा बेटा, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसको हम बोलेंगे लो एनर्जी लेवल, और जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी, जो बाहर की तरफ होगा, आउटर होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हायर एनर्जी लेवल। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। क्योंकि n की वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी बढ़ रही है, तो जिसके लिए n ज्यादा होगा मतलब जो बाहर की तरफ ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे हम हायर एनर्जी लेवल, जो अंदर की तरफ होगा तब लोअर एनर्जी लेवल। लेकिन ये नाम कब देते हैं? जब हमें दो ऑर्बिट को कंपेयर करना हो। ओके बेटा, हो? यस सर। नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन लाइक एटम्स और आइंस जो हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले ऑर्बिट में होगा, इसीलिए पहले ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन लाइक एटम साइंस के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है, या कह सकते हो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है,
सॉरी वो न्यूक्लियस से बन गया है, मैं वापस बनाता हूं। ये ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें एन वन है, इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोल देते हैं बेटा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों? क्योंकि सबसे पहले पहले इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा और नॉर्मली वही होना चाहिए। और ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम साइंस है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही होना चाहिए, किसी और ऑर्बिट में नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट को ऐसे एटम्स और आयनों के लिए हम ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। हर एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट नहीं कहते, ध्यान रखना इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑर्बिट आपको दिख रहे हैं, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स या जो भी एंड तक है, या आउटर मोस्ट से एटम से बाहर की बात है, इनफिनिट, किसी भी अगर अदर स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बेटा कब जाएगा वो बताओ, कब जाएगा? लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन बेटा कब जाएगा? जब वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी जो उसको उसमें है ऑर्बिट में, उतनी उसे मिल जाएगी, उतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी जाएगा ना बेटा। बोलो, रेस्पॉन्स दो। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे याद रखो कि इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में केवल तभी जाएगा जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तभी, चाहे भले इनफिनिट तक एटम से बाहर तभी आ पाएगा जब उसको एनर्जी मिल जाएगी। इसीलिए इन सभी स्टेट्स को, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर वन, और इसके अलावा जितनी भी स्टेट बच गई उन सबको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा जी? इन सब ऑर्बिट्स को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट का मतलब वे सारे ऑर्बिट जिनके लिए एन की वैल्यू मोर देन वन है, दैट इज सेकेंड ऑर्बिट भी, थर्ड ऑर्बिट भी, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ या आउटर मोस्ट इन्फिनाइट तक। पहले ग्राउंड स्टेट के बाद में जितने भी ऑर्बिट बच गए उन सब में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद पहुंचेगा। एक्साइट होने का मतलब एनर्जी गेन करने के बाद में, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में। इसीलिए उन सभी हमने ऑर्बिट्स को एक्साइटेड स्टेट्स कहा है। ग्राउंड स्टेट तो एक ही थी, बट एक्साइटेड स्टेट्स तो बहुत सारी हैं, इसीलिए हम इनको नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं वो आप ध्यान से देखना। इनको हम नाम दे सकते हैं, अगर मुझे बोलना हो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ES शॉर्ट में लिख देता हूं मैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया N इज इक्वल टू टू। पहला एक्साइटेड स्टेट पहली बार इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकेंड ऑर्बिट में आएगा। पहली बार एक्साइट जब होगा, दैट इज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो किसमें आएगा? सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हम बोलेंगे बेटा थर्ड ऑर्बिट को, जिसके लिए एन की वैल्यू थ्री है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम बोलते आते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ ऑर्बिट। आप इसको हिंदी इंग्लिश के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। जैसे मैंने कहा आप लोगों से ग्राउंड फ्लोर मतलब पहली मंजिल, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर मतलब दूसरी मंजिल, मैंने कहा सेकंड फ्लोर मतलब तीसरी मंजिल, ऐसे आप यहाँ पे कह सकते हो। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरा ऑर्बिट,
सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट। ओके बेटा हो? यस। तो ये आपको टर्म समझ में आ गए? यस वेरी। तो ये यहाँ पे कुछ टर्म्स सब हम आगे लैंग्वेज में यूज करेंगे क्वेश्चंस में, थ्योरी में। ये टर्म एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, फिर आप कहते वहां पर सर ये क्या होते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको ये सारे टर्म्स समझाए हैं, इन टर्म्स का मतलब समझाया है। क्लियर हो गया? बेटा वो क्लियर हो गया इतना? वेरी गुड। तो अब इसमें हम अगला पार्ट छोटा सा और जोड़ते हैं। मैं कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूँ, इसका कर दूं? यस सर। नो सर। सर अब कर जल्दी। तो ये हमने देखा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के जो पास वाला ऑर्बिट है जिसको हम लोएस्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, मैं अगर वहां से ऊपर आना शुरू हो जाऊं तो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते इनफिनिट तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। ओके बेटा, इससे क्लियर हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी लोअर स्टेट से हायर में आएगा, मतलब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले में आएगा, तो कंफर्म है उस समय उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, है ना बेटा? वो क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ओके, और जब भी वो हायर से लोअर में आएगा तो हाई एनर्जी से कम एनर्जी में आने का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी। और यही बात मैंने आपको नोट करवाई थी, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब बोर का लास्ट प्रिंसिपल क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है तब वो ना एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन मीन्स जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। पर एब्जॉर्ब कब करेगा बेटा? इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करेगा तब नंबर वन सबसे पहले हम क्या कहेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम या ट्रांजिस्ट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल मतलब अंदर वाले ऑर्बिट से टू हायर एनर्जी लेवल बाहर वाले की तरफ जाता है, देन एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो क्या होगी बेटा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके बेटा, हो नंबर टू, जब इलेक्ट्रॉन, आप सेम लाइंस लिख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन्स जाता है, अब कहां से, अब उल्टा कर देना वाइस वर्स, क्या कर दोगे कि व्हेन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, जब हाई से लो में जाता है तो उस समय एनर्जी इज एमिटेड, ये बस उल्टा कर देना, एब्जॉर्ब को एमिटेड कर दोगे बेटा। लोअर से हायर में जाता है तो क्या होती है बेटा? एनर्जी एमिटेड, दैट इज एनर्जी रिलीज होती है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आप लोग। अब क्वेश्चन ये है कि एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी पता लग गया, एमिट कब होगी पता लग गया, लेकिन एनर्जी कितनी एमिट या एब्जॉर्ब होगी, फिर मैंने आपको यही बताया था, याद होगा आपको। एक बार फिर हम लिख देते हैं, एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। अब वो एब्जॉर्ब हो रही हो या एमिट हो रही हो एनर्जी, वो तो पता लग जाएगा उसके जाने आने से, हायर से लो में आ रहा है, कहीं भी आए कहीं से भी,
तो ये सब क्या है, एनर्जी एमिट करने की निशानी है, यहां से एनर्जी निकलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी लोअर से हायर में जा रहा है, चाहे कहीं भी जाए, तो उस समय ये सब है वो आपका क्या शो कर रहे हैं, ये सब एनर्जी के एब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। बट एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब या एमिट होगी, ये डेल्टा ई जो होती है एब्जॉर्ब या एमिटेड एनर्जी का अमाउंट, दिस विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ बोथ ऑर्बिट, दोनों ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है। अब यहाँ पर इस डिफरेंस में ई एन टू क्या है, ये ई एन टू है बेटा एनर्जी ऑफ हायर लेवल या हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ आउटर ऑर्बिट। बात समझ में आ गई बेटा, और ये एनर्जी है एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट या इनर ऑर्बिट या लोअर एनर्जी लेवल। समझ में आ गई बेटा? यस सर। वेरी गुड, जब इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आप समझ जाओगे उससे क्या हो जाएगा। ध्यान देना आप लोग, मैं कुछ पार्ट फिर इरेज कर रहा हूँ क्योंकि उसके बगैर जगह नहीं होगी यहाँ पर। तो अब आप ध्यान देना मेरे बेटा हो, आप इसमें देखोगे कि आपको एनर्जी की वैल्यू मालूम है, यू नो वेरी वेल, एनर्जी आपको पता है, ऊपर लिखी हुई है फॉर्मूला, कितना लिखा हुआ है मैं उसको वापस लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सो, इसके बाद कंटिन्यू करना है आपको, डेल्टा ई इज इक्व टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो पहले क्या हो जाएगा बेटा, ई एन टू के लिए एन की जगह पर लिख देंगे हम एन टू स्क्वायर। ओके बेटा, ये एनर्जी होगी ई एन टू, एनी प्रॉब्लम? एन टू ऑर्बिट की एनर्जी, मैंने ऑर्बिट चेंज कर दिया, माइनस फिर आपको लिखना है एन वन ऑर्बिट की एनर्जी, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। अब एन वन ऑर्बिट है तो वहां पे एन की जगह पर आप एन वन लिख दोगे। आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा वन अपॉन एन वन स्क्वायर प्लस का, और ये बचेगा माइनस का वन अपॉन एन टू स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस ऑर्बिट से किस में गया है, मतलब एन वन क्या है और एन टू क्या है, एन वन एन टू क्या है ऑर्बिट नंबर, अगर मुझे पता लग जाए कि एन वन एन टू क्या है, ऑर्बिट नंबर क्या है, किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में गया है, तो मेरे बेटा हो मैं उस एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट दिस विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एनर्जी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है, तो डिफरेंस भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर हो गई? यस। वेरी गुड। अब हम इस एनर्जी के कंसेप्ट्स को, इसमें यूज होने वाले और इसमें टर्म्स होते हैं, उनको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगले सेशन में, नेक्स्ट में। अभी इस सेशन का टाइम पूरा हो गया है ना बेटा, आप सेम लिंक पे वापस आ जाओ। बहुत आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक टर्म को समझ के चार बार बोलकर तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? Yes. Okay, बेटा आ जाओ, चलो सेम लिंक पर।